नरेंद्र कोई नहीं है, हम लोग का सहारा नहीं है कोई भी, हम लोग केवल माँ बेटा ही इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। जहाँ भी जाते हैं कोई सुने, अभी ब्लॉक गए थे, ब्लॉक में वहाँ भी एप्लीकेशन दिए हैं तो सी ऑफिस से, तो रजिस्ट्री ऑफिस मेरा कोई सुनेगा तब तो जाएंगे, कोई नहीं सुनता, खाली रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। इतना इतना घर भी नहीं है, घर भी छीन गया, घर छीन गया, कब्र छीन गया, और कुआं है, बारी है, सब कुछ था उसमें, बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ था, सारा पेड़ पौधा काट कर ले गया। सदमा में मेरे पिताजी डेथ कर गए, बड़ी मम्मी डेथ कर गई, बड़े भाई डेथ कर गए, इसी सदमा में पिताजी, आपकी बड़ी मम्मी और भाई भी डेथ कर गए। जी काफी बीमार जी हाँ। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जनता दरबार लगाया है और कई लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नामकुम की रहने वाली रोज बड़ाइक जी अपनी फरियाद लेकर पहुंची है। इनकी फरियाद ये है कि 2005 में करीब 4 एकड़ 46 डिसमिल इनकी जमीन कोई एक व्यक्ति जो है वो हड़प लिया है, और तब से ये सब जगह जा रही हैं और कोई सुन नहीं रहा है। कितना जमीन है? 5 एकड़ 46 डिसमिल 5 एकड़ है, 5 एकड़ 46 डिसमिल पूरा मेरा बाबू जी दिए हैं, 6 एकड़ 31.5 डिसमिल दान पत्र में। आपके पिताजी आपको दिए? हाँ। अच्छा, और तो ये लोग कैसे ये कर लिया, ये कौन है जो हड़प लिया? एक दलाल है जो मेरा घर गया था और बोला कि हम लोग को पूछा कि आप लोग जमीन बिक्री करना चाहते हैं, तो हम लोग बोले हाँ, बड़ी दीदी का दवा के लिए और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोग 62 डिसमिल बेचेंगे, ऐसे बोले। तो वो क्या 1,000 रुपया हमसे लिया और खतियान निकाला और पूरा जमीन को ले रजिस्ट्री करवा लिया, 2 व्यक्ति का नाम, एक है क्या, कैसे इनके बेटा हैं जी? हाँ। क्या नाम है आपका? राकेश दीपक एक का। तो देखिए, ये जो आवेदन दिए हैं ये बन्ना गुप्ता, अभी रांची डीसी को ये लेटर लिखे हैं, और लेटर में लिखे हैं कि श्रीमती रोज बड़ाइक, जिनका मोबाइल नंबर ये है, 3 अभ्यावेदन जो दाखिल खारिज एवं अन्य मामले से संबंधित है, अतः जनहित में उक्त 3 आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में जाँचों उपरांत सहानुभूतिपूर्वक नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाए। मंत्री जी क्या बोले? अंतर बोले कि डीसी के पास से आवेदन जमा हो गया है और उधर से आएंगे नोटिस। ये जमीन आप ही लोग का है, इसका कोई प्रमाण है? जी हाँ, प्रमाण है। सब लेके आए हैं? ठीक है, हमको दिखाई नहीं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं। कैसे हड़प जी? वो छल से हटा, छल करके जमीन खरीदेंगे बोला और खतियान निकाला और देख लिया कि जमीन का कोई हकदार नहीं है, खाली एक बड़ी बहन है एक ठो और हम हैं, तो वो 2 आदमी को इसी में बेच दिया। कौन खरीदा है इस? जी ईडी में भी दिया हुआ है, लेकिन उनकी जांच अभी तक नहीं हुई है। ईडी भी जाके दिए? जी हाँ, ईडी में भी दिया हुआ है 19/5/2023 को। ईडी ऑफिस जाके दिए? जी हाँ। क्या करते हैं आप? जी मैं तो बीमार हूँ, इनका बड़ा बेटा हूँ, और अभी तो मैं बीए पास हूँ और कुछ नहीं कर पाता है। पेट में अल्सर भी है, गला में उल्टी होता है, खाना पीना खाने नहीं सर निकल जाता है, कहाँ जाएगा, किसके पास काम करेगा, कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं, हम लोग बहुत रोए, मेरा कोई नहीं है, हम लोग का सहारा नहीं है कोई भी, हम लोग केवल माँ बेटा ही इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। जहाँ भी जाते हैं कोई सुने, अभी ब्लॉक गए थे, ब्लॉक में वहाँ भी एप्लीकेशन दिए हैं, तो सर बोले कि दखल खारिज हम नहीं होने देंगे, आप जाइए और कोर्ट से उनका कोर्ट से परमिशन हटाई भाई नहीं मतलब डीसी क्या बोलते हैं जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस से, तो रजिस्ट्री ऑफिस मेरा कोई सुनेगा तब तो जाएंगे, कोई नहीं सुनता, खाली रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। इतना इतना घर भी नहीं है, घर भी छीन गया, घर भी छीन लिया। कहाँ रहे हैं आप लोग? अभी एक तो छोटा सा घर है मेरा रांची में, उसी में रह रहे हैं। बहुत परेशान है जी हाँ, घर छिन गया, कब्र छिन गया, और कुआं है, बारी है, सब कुछ था उसमें, बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ था, सारा पेड़ पौधा काट कर ले गया।
सदमा में मेरे पिताजी डेथ कर गए, बड़ी मम्मी डेथ कर गई, बड़े भाई डेथ कर गए। इसी सदमा में पिताजी, आपकी बड़ी मम्मी और भाई भी डेथ कर गए। जी आप भी बीमार। जी हाँ। तो आप लोग कभी पैसा वगैरह उससे? हाँ थोड़ा सा पैसा दिया था, वो बासठ डिसमिल ले रहे हैं बोल किया दिया था। तो 65 डिसमिल ले रहे हैं और ले लिया सब सारा। कितना पैसा दिया था? 7,41,000 रुपया दिया था, वो भी 7,41,000 रुपया दिया था, वो भी बड़ी माँ के दबा में और दौड़ धूप करने में और केस कोर्ट कचहरी में ही सारा पैसा लगाना पड़ा। और हम लोग जब जाते थे तो हम लोग को धुतकार देता था, हड़काता था कि जान से मार देंगे तुम लोगों को। क्या क्या है वो जमीन में? अभी तक घेरा कर करके रखा हुआ है, अभी भी हम लोग उस जमीन का रसीद कटा रहे हैं। अच्छा, रसीद आप ही लोग का कट? हम ही लोग का कट रहा है। कब्जा वो लोग रखा? वो लोग हम लोग को डरवा देता है, हम लोग दो माँ बेटा कैसे जाएंगे, मार दिया तो डर लगता है। डर लगता है। सब बात बोले मंत्री? सब बात तो नहीं बोल पाए, इतना भीड़ था ना, कैसे बोले। देखिए ये बहुत बेबस और मजबूर माँ और पिता हैं, अब सही क्या है गलत क्या है ये तो एक आवेदन देखकर हम भी तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जैसा बता रहे हैं कि इनकी 5 एकड़ से अधिक ज़मीन थी जिसे किसी ने हड़प लिया है, ये सिर्फ 62 डिसमिल ज़मीन बेच रही थी और उसके बदले में करीब 5 एकड़ 46 डिसमिल ज़मीन जो है वो लोग अपने नाम करवा लिए हैं। और पिछले कई वर्षों से ये लोग दर दर भटक रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुनता, मतलब हम लोग 62 बोल के हम लोग का साइन करवाया छिपा छिपा के और हम लोग को देखने ही नहीं दिया और ना कोई पढ़ के बताया। छिपा के करवाता? हाँ 62 ले रहे हैं, आप बोला कि आपका जमीन 62 हम ले लिए हैं बोलकर विक्रम और भारती देवी के नाम रजिस्टर्ड करा दिया और चेक भी जो दिया 2 लाख का उसी दिन का दिया और वो फॉल्स निकल गया। हम लोग तो बहुत गरीब हैं और चेक क्या होता वो भी नहीं जानते थे कभी भविष्य में। बहुत तकलीफ है बेटा। मंत्री जी के पास गए? कहीं इनके पास वो नहीं गए हैं, आजकल में जी बोल रहे थे नहीं जा पाए हम लोग। जी हम लोग के पास जाने आने के लिए भाड़ा तक भी नहीं होता है, भाड़ा का भी पैसा, इसलिए हम लोग बहुत मुश्किल से आते हैं जाते हैं। अभी भी तो एक आदमी बताया कि जाइए जाइए बोल के बोला तब हम लोग आए। बहुत ना हम लोग रात में सो पाते हैं ना दिन में सो पाते। खिचड़ी बोलो। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in